रोटरी क्लब शहडोल ने स्थानीय मानस भवन में टैब वितरण और शपथ समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा मौजूद रहे। रोटरी क्लब ने नवनियुक्त अध्यक्षों को क्लब की शपथ दिलाई। वहीं 25 जरूरतमंद और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट्स का वितरण किया। इसके अलावा जिला अस्पताल को एक एम्बुलेंस भी प्रदान किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि पूरे देश में मेधावी छात्रों को 1,00,000 टैब वितरित किया जाएगा। वहीं शहडोल में 100 टैबलेट्स का वितरण किया जाना है, जिसमें सांकेतिक रूप से 25 मोबाइल टैब का प्रतिभावान छात्रों का कार्यक्रम दिया गया है। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में रोटरी क्लब द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया था। कोरोना काल में जिन सामाजिक संगठनों ने मानव सेवा में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें क्लब द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है, जिनमें सेवा भारती, सांझी रसोई, गौ सेवा संस्थान सहित सामाजिक संगठन शामिल हैं। समाज सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले रोटरी क्लब आने वाले दिनों में स्वास्थ्य राहत शिविर का आयोजन करेगा, जिसमें निर्धन, गरीब और आदिवासी परिवारों में गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को चिन्हित कर उनका समुचित इलाज रोटरी क्लब कराएगा। मिलते थे, फिर रोटरी की मीटिंग स्टार्ट होती। अब फेलोशिप भी बीसी पे है, रोटरी मीटिंग भी बीसी पे है। सोच रहा हूँ आगे चल के इलेक्शन कैसे होंगे। शांति व्यवस्था रहे, सब अच्छा रहे। और जहाँ तक रोटरी क्लब का सवाल है, जब राजेश जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि शेड्यूल में आपका आना बनता है, तो मैंने कहा ये बताओ आने के पहले तुम क्या चाहते हो। कहते मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए, तो मैंने कहा ले लो, मैं दे देता हूँ तुरंत। और हमने 10 दिन में वो व्यवस्था करके एम्बुलेंस भिजवा भी दी। फिर हमने कहा देखिए हम अपनी तरफ से 100 मेघावी छात्रों को हम पुरस्कृत करेंगे एक ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम के साथ। ये जो टीचिंग प्रोग्राम है, जैसे आप देखते हैं ना बैजू वगैरह जो आता है, बैजू का वो है ये, उससे भी मेरे को लगता है क्वालिटी वाइज कंटेंट वाइज उससे भी बेटर है। अब हम तो फ्री दे रहे हैं, नहीं तो ये इसी चीज़ के लिए बैजू 2,00,000 रुपये लेता है पर स्टूडेंट। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को जो इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, और अब टोल फ्री नंबर आ जाएगा, उनको गाइड करेगा, टीचर्स रहेंगे, तो ये मेघावी छात्र जो हम जो सैनिकों के पुत्र हैं, जो शहीद हुए हैं कश्मीर में, परसों हम जम्मू में ऐसे 25 बच्चों को देख के आए हैं जिनके पिता देश की लड़ाई में शहीद हुए थे। हम कोविड में जो ऑर्फेंस हुए हैं उनको देना चाहते हैं। हम उन गरीब बच्चों को देना चाहते हैं जो बेघावी हैं और जो जिनको थोड़ी सी